टुडे वी एक्सप्लेन अबाउट नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट की खासियत ये होती है कि नॉर गेट की ये खासियत होती है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड ऑर गेट। नॉर गेट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर एंड नॉट गेट, नॉर गेट, ठीक है। अब देखिए नॉर गेट में, नॉर गेट की खासियत क्या होती है कि नॉर गेट में जो है दो तरह के गेट्स यूज किए जाते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ गेट्स यूज इन नॉर गेट। फर्स्ट वन इज नॉट एंड प्लस और गेट, ये बोथ, ये और गेट, ये दोनों गेट्स इसमें यूज किए जाते हैं, ये दोनों गेट्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसको बोलते हैं नॉट प्लस और, इसको हम बोलते हैं नॉट। हमने बताया था आप लोगों को कि देर आर टू टाइप्स ऑफ गेट, वी कैन से इट इज द बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। बाय विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट वी कैन डिजाइन एनी टाइप ऑफ गेट। फर्स्ट वन इज नैंड गेट एंड सेकेंड वन इज नॉर गेट, ठीक है। पहला जो गेट है दैट इज नैंड एंड सेकेंड वन इज नॉर, ठीक है। तो अब और की खासियत क्या होती है, नॉर की खासियत क्या होती है कि इट इज, यानी जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले और है फिर नॉट, तो सबसे पहले हम और गेट बनाते हैं, ठीक है। अब और गेट ऐसे बनाया हमने और गेट के साथ हमने लगा दिया नॉट, हमने और गेट के साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब ये देखिए ये इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ए बी, अब जो रिजल्ट आया दैट इज ए प्लस बी, क्योंकि हम जानते हैं वी हैव नो ऑलरेडी नो दैट द और द आउटपुट ऑफ और गेट इज ए प्लस बी एंड ऑलवेज द और गेट इज रिप्रेजेंटेड बाई प्लस साइन, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी जब इनपुट हो रहा है तो इसका जो रिजल्ट हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है दैट वन इज ए प्लस बी, एंड जब ए प्लस बी को हम पास कर रहे हैं किसके, नॉट के थ्रू, तो देन ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि द नॉट गेट हैज अ प्रॉपर्टी दैट हैव अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, दैट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ये हमेशा नॉट गेट की खासियत होती है। सो वी कैन से द नॉट गेट इज ऑल्सो अ इन्वर्टर गेट। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है नॉट गेट की कि ये सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक। तो अब देखिए ये बन गया, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो कितने हैं, देर आर टू टाइप्स, टू नंबर ऑफ इनपुट्स, ए एंड बी, ठीक। तो और गेट का जो रिजल्ट आ रहा है, ए एंड बी का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी में, और ए प्लस बी जब और से पास कर रहे हैं, नॉट से जब पास कर रहे हैं, तो इसका ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, अब हम ट्रुथ टेबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय ट्रुथ टेबल, टू इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनपुट एंड व्हाट विल द रिजल्ट वी हैव गेट, ठीक है। ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि सारे कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट पे, और उस कॉम्बिनेशन पे दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन व्हाट द आउटपुट वी विल गेट, हम क्या मिलेगा हमको, तो वो चीज लिखा जाता है। तो अब ए बी है और रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट हम वाई से शो कर रहे हैं, अगर रिजल्ट हम किससे शो कर रहे हैं, वाई से शो कर रहे हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रुथ टेबल में। और हम जानते हैं कि 2 to power n फॉर्मूला होता है, इट मींस 2 to power n का मतलब कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, n का मतलब, n मींस नंबर ऑफ इनपुट्स, तो n का मतलब क्या होगा, 2 to power 2, इट मींस 4 कॉम्बिनेशन, यानी कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 4। अब 4 का कॉम्बिनेशन का जब बनाएंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब वाई में जब आउटपुट में आएगा तो हम जानते हैं कि अब चूंकि यहाँ पे और है, और का जो रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट करना है, और के रिजल्ट क्या क्या करना है, अपोजिट करना है। तो हम जानते हैं कि और में, और के केस में देखिए, याद करिए और के केस में क्या आता है, जब दोनों वैल्यू जीरो होती है तो और के केस में क्या आता है, याद करिए, ठीक है। और की खासियत यही होती है कि एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1, देन द रिजल्ट विल बी 1। यस बेटा, इफ एनी ऑफ द इनपुट रिजल्ट विल बी 1, देन द रिजल्ट विल बी 1।
ठीक। तो अब जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो के केस में और के केस में क्या आता था, जीरो आता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट हो रहा है, इसका नॉट लगा है ना, तो नॉट का मतलब इसका क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आर का आ रहा था उसका अपोजिट। तो अपोजिट जब आ जाएगा तो ए प्लस बी का होल कॉम्बिनेशन, होल सॉरी ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका मतलब ए प्लस बी का उल्टा, तो ए प्लस जीरो जीरो पे ए प्लस बी में क्या आता था, जीरो आता था, और के केस में जब नॉट से क्रॉस पास होगा तो ये हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हाँ यस बेटा, जीरो वन के केस में, जीरो वन के केस में और में वन आता था, लेकिन अब यहाँ पे नॉट के साथ पास हो रहा है तो नॉट अपोजिट कर देता है, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और जो भी रिजल्ट होता है उसको रिवर्स कर देता है, तो देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा नॉर के केस में। इसी तरह से वन जीरो के केस में और के केस में वन आता था, लेकिन ये क्या करेगा, जीरो वो करेगा। फिर वन वन के केस में यहाँ पे वन आता था, अब यहाँ पे और लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट आएगा, यानी जो दो सारे रिजल्ट अगर जीरो होते हैं तो नॉर के केस में कंडीशन हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। इसकी यही खासियत होती है, अगर एक भी रिजल्ट हमारा, अगर जब तक जब सारा रिजल्ट फॉल्स होगा तो रिजल्ट भी क्या आ जाता है, फॉल्स आता है। आ रहा है समझ में, इट इज क्लियर। हाँ बेटा, अब बताइए तीन इनपुट में बताइए आप लोग क्या आएगा, बताइए ए बी सी थ्री इनपुट, थ्री इनपुट्स में व्हाट विल द रिजल्ट। Yes, very good. The output will be 8. ठीक है, it means अब क्या होगा यहाँ पे, जब इसको हम 3 का बनाएंगे, ये जो A, B, C है, ये तीनों क्या है, इनपुट्स, ये तीनों इनपुट है, तो यानी जो कॉम्बिनेशन बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ये तो हमारा और का आ गया A प्लस बी प्लस सी। अब ये जो और को पास करेंगे किसके थ्रू पास हो रहा है, नॉट से पास हो रहा है, क्योंकि तो एक ही तार है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ही तार निकल रहा है, यहाँ पे कितने तार हैं, थ्री थ्री तार हैं, ऐसे समझो, ये थ्री का तीन कनेक्शन गया है, तीन कनेक्शन जब और में पास हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तार में जो गुजरेगा वो ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। अब यहाँ से ये फिर नॉट में जब पास होगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, जब भी नॉट से निकलेगा तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जब टेबल बनाएंगे टू टू पावर एन, इट मीन्स टू टू पावर थ्री, इट मीन्स एट कॉम्बिनेशन, there will be eight combination. तो अब truth table बनाएंगे, when we draw the truth table, the result will be A, B, C and Y. ठीक, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. फिर 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ठीक है, clear? ये visible है ना यहाँ तक। हाँ, अब देखिए हमने बताया था ऐसे लिखते हैं, फिर 4 times 0, एंड फोर टाइम वन, जब भी एट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब देखिए हमने बताया, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों जीरो है, तीनों जीरो, और के केस में तीनों अगर जीरो होते हैं, यानी ए की वैल्यू भी जीरो, यहाँ बी की वैल्यू भी जीरो, सी की वैल्यू जीरो, तो जब जीरो जीरो प्राप्त होता है और में, तो आपका रिजल्ट जो आता है दैट विल ऑल्सो बी अ जीरो, एक जीरो होगा। और जब जीरो को अपोजिट करेंगे, यानी जीरो का अपोजिट जब होगा तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो नॉट की खासियत होती है कोई भी वैल्यू होता है उसको रिवर्स कर देता है, नॉट जो क्या करता है सारी वैल्यूज को रिवर्स कर देता है, अगर हमने जीरो दिया है तो वन, यस, और वन जब देंगे तो क्या कर देगा, जीरो कर देता है। ठीक, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से पास हो रहा है, इसका अपोजिट कर देगा। अब यहाँ पे और के केस में सॉरी और के केस में ये जीरो 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 है, तो यहाँ पे तो जीरो मिलेगा, अब जीरो को नॉट से जब पास करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। आ रहा समझ में, क्लियर। फिर जीरो 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 यहाँ पे जीरो जीरो वन वन के केस में क्या आएगा, यहाँ पे बताइए आर के केस में क्या आएगा, जी यहाँ पे आर के केस में वन आएगा, नॉट जीरो, आर के केस में जी वन आएगा, और जब इसको पास करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, इसी भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो,
यहां भी जीरो, और लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो आएगा लास्ट। हाँ लास्ट, हाँ बेटा व्हाट हैपेंड, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा? जीरो आएगा। ठीक, क्लियर। तो ये दिस इज अ नॉर गेट, और नॉर गेट की खासियत यही होती है कि देर इज द टू कॉम्बिनेशनल सर्किट, देर आर टू, हमने बताया था कि देर आर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट तीन मेन होते हैं, एंड और नॉट। वी कैन डिजाइन एनी गेट विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब इसी में अब नेक्स्ट आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को, अब नॉर भी हमने पढ़ लिया था, एंड के बारे में, नैंड के बारे में बता दें कि पता है? बता चुका हूं, वी हैव ऑलरेडी सेज अबाउट नैंड गेट, एंड नाउ वी स्टार्ट एक्स ऑर गेट, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑर, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑर। क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा ये जो बच्चे आ रहे थे स्कूल जो आ रहे थे उन, ठीक है, अगर मैं बता चुका हूं तो इससे कोई इंडाइजेशन नहीं हो जाएगा और एक बार और देख लोगे, क्योंकि ये सब बेटा एक इस बार जो सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम होंगे, सुन लीजिए, ठीक है, इट्स ओके, तब सुन लीजिए, इस बार जो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें फर्स्ट टर्म जो आएगा उस फर्स्ट टर्म में सारे जो क्वेश्चन आएंगे, उस सारे क्वेश्चन आएंगे आपका ऑब्जेक्टिव, और जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, एक एक का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसी सीरीज में आता है, एक आता है एक्स और गेट, बता दे रहा हूं क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव और, इसको बोलते हैं एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट की खासियत क्या होती है कि द एक्स और गेट कैन ऑल्सो हैव टू और मोर इनपुट बट प्रोड्यूस वन आउटपुट सिग्नल। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, व्हाई? द एक्स और गेट कैन ऑल्सो हैव टू और मोर इनपुट बट इनपुट सिग्नल। ब्लैक आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। द और द एक्स और गेट कैन ऑल्सो हैव टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट प्रोड्यूस वन आउटपुट सिग्नल। It produces output one for any input combination. It produces output one for any input combination having one or more one. It produces output one for any input combination that have odd number of ones. ये main important चीज है इसका, odd number of ones, तो ये result देगा one देगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत ही
एक्सक्लूसिव न्यूज है। एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब कि ये किसी के पास नहीं है, ये एकदम अलग है, ये सब डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीज है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो ये है भी डिफरेंट। इसके पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था एंड और नॉट में, तो एंड की खासियत होती है कि एक भी कंडीशन फॉल्स तो ऑल द रिजल्ट, सारे रिजल्ट क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। और की खासियत क्या होती है कि अगर एक भी कॉम्बिनेशन ट्रू हो गया, एक भी रिजल्ट ट्रू हो गया, एक भी इनपुट ट्रू हो गया, तो सारा रिजल्ट ट्रू होता है। नॉट की खासियत क्या होती है कि नॉट जो होता है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, वो जो भी रिजल्ट होता है उसको अपोजिट कर देता है, जो भी इनपुट होगा उसको अपोजिट कर देगा। तो इस तरह से ये तीन मेन होते हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और का मतलब कि ये डिफरेंट है, सारे गेट से क्या है, डिफरेंट है, और इसमें नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, नंबर ऑफ वंस के ऊपर, जो इनपुट में नंबर ऑफ वंस होंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है ऑड नंबर ऑफ वंस अगर है तो रिजल्ट क्या देगा, वन देगा, ठीक है। अब ऑड नंबर ऑफ वंस का मतलब कि जब इसको जब हम इनपुट बनाएंगे इसका तो उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब एक्सक्लूसिव और गेट का जो साइन होता है दैट इज प्लस को और ऐसे सर्किल कर देते हैं, ये एक्सक्लूसिव और का साइन होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो डायग्राम इसका बनेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और एक्स और है तो और तो बनेगा ही, और बनेगा, और के साथ खासियत क्या होती है कि ऐसे ये सेमी सर्किट ऐसे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर ए बी, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए ऐसे सर्किल ये बी। तुरंत हम समझ जाएंगे, जैसे सर्किल बना होगा प्लस के ऊपर सर्किल होगा तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि इट इज द एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अगेन वही चीज, 2 to power n, इसका मतलब 2 to power 2, यानी कितने कॉम्बिनेशन, 4 combinations, देर विल बी अ 4 combinations ऑफ ट्रुथ टेबल ए बी एंड रिजल्ट विल बी y, ठीक है, रिजल्ट विल बी y। अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे 1 0 1 1। अब देखिए कितने बन रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, बताइए क्या आएगा। अब हम लोगों ने लिखा है कि जहां पे नंबर ऑफ वंस ऑड होगा वहां पे ये वन आएगा। नंबर ऑफ वंस ऑड का मतलब कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वंस है, नहीं है, छोड़ दो, नंबर ऑफ वन क्या है, वन है, एक बार आया है, कितनी बार आया है, वन टाइम आया है, एक यहाँ पे, इसलिए नंबर ऑफ वंस वन है, तो यानी वन जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितना है, वन है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑड आ जाएगा, ये वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आ रहा है तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, टू, तो दैट इज इवन, तो इवन के केस में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी ये इस तरह से बनाएंगे हम इसके कॉम्बिनेशन। आ रहा समझ में, नंबर ऑफ ऑड के ऊपर डिपेंड होता है, ऑड नंबर ऑफ वंस देन वन होता है। इसी तरह से अगर तीन का बनाते हैं, तीन वाला भी बना लेते हैं बेटा, तीन का भी आप लोगों को समझना होगा, नोट करना है, ए बी सी, ठीक है। अब जब इसको निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बन जाएगा। अब यही चीज 2 to power n, इट मींस 2 to power 3, यानी कितने कॉम्बिनेशन, 8 combinations कब हमको बनाना, 8 combinations का जब बनाएंगे, ये नोट हो गया फर्स्ट वाला, ओके बेटा, वेरी गुड। एंड ए बी सी देन वाई, ठीक, इट मींस 8 combinations, फिर वही चीज 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, एस, ठीक, 4 times 0 और 4 times क्या हो जाएगा, 1, ठीक, वही चीज। अब ऑड नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड है, ऑड नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे सब 0 है, 0 आ जाएगा, ऑड नंबर ऑफ 1 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कितना है, 2 है, तो 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब फॉल्स हो गया, फिर यहाँ पे भी 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 है 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 क्या होता है, ऑड होता है, इस तरह से ये 1, इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो इट इज अ एक्सक्लूसिव और गेट, ये क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट, और एक्सक्लूसिव और गेट की खासियत ये होती है सब डिजिटल सर्किट्स होते हैं, ये सब क्या है, डिजिटल सर्किट्स होते हैं। हमारा जो मोबाइल फोन है या हमारा जो भी टेलीफोन एक्सचेंज है, ये सब इसी पर वर्क करता है,
ये सब डिजिटल ही होता है, सब डिजिटल होते हैं, सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं डिजिटल, बहुत सारी चीजें डिजिटल चल रही है, तो ये डिजिटली ये हो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसी का एक बड़ा भाई है, ठीक है, ये छोटे भाई को हम लोग पहले, हाँ बेटा नोट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी का एक छोटा भाई है, जैसे एंड बड़ा भाई है और आर उसका छोटा भाई है, मझिला भाई है, और नॉट जो है वो सबसे छोटा भाई है, एंड और नॉट ये तीनों हैं, तीन भाई हैं सर, ठीक है, एंड बड़ा भाई और मझिला भाई, नॉट छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। इसी तरह से हाँ रियल में कैसा दिखता है, ये डिजिटल, ये सब डिजिटल है, ये सब डिजिटली होता है। हाँ बेटा रजिस्टर को तुमने देखा है कभी, देखे हो तुम लोग टीवी के अंदर बहुत सारे आईसीज और ये सब लगे होते हैं, लगे होते हैं, देखे हो तुम लोग, या मदरबोर्ड देखा है तुम लोग ने कंप्यूटर का मदरबोर्ड, हाँ तो वहां पे ये लगे होते हैं, ये सब अंदर लगे, ये बहुत आपको बहुत 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 हल्का सा बहुत, तो ये बहुत ही बारीक होता है, आपको दिखेगा नहीं जल्दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव नॉर। अब इसका छोटा भाई, छोटे भाई को हम लोग पढ़ लें, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब हो जाएगा, एक्स नॉर दिख रहा है, एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब क्या हो गया कि नॉर यानी नॉट, नॉर के साथ लग गया हमारा एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो यानी इसका मतलब जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसका, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम, ऐसे बनेगा और ये तो रहेगा ही, और इसके साथ क्या लग जाएगा, बबल लग जाएगा, ऐसे ये बन गया, तो ये हो जाएगा ए बी एस, और यहां पे मिलेगा ए प्लस बी ऐसे, और जब ये पास हो जाएगा तो यानी ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यानी जो ए प्लस एक्सक्लूसिव और का जो रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट, एक्सक्लूसिव और का जो रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखें, यानी यहां पे था कि ऑड, वहां पे ऑड नंबर ऑफ वंस था, यहां पे हो जाएगा इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू वन हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू वन, ठीक है, इवन नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक। अब देखिए इवन इवन नंबर ऑफ वंस का मतलब हो जाएगा ए बी वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ वन, तो इवन नंबर ऑफ वन का मतलब कि अब जो रिजल्ट आ रहा था उसका अपोजिट, तो यानी अब यानी यहां पे आ रहा था जीरो, ये हो जाएगा, ये दोनों वन हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इवन नंबर ऑफ वन, तो इवन यहां पे वन जीरो है तो जीरो का मतलब वन हो गया, यहां पे दो वन है तो वन हो गया, इस तरह से इसको बनाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, करेक्ट। इसी तरह से तीन इनपुट का भी बनेगा, बन जाएगा बेटा थ्री इनपुट का, ये बेटा जो भी हम पढ़ा रहे हैं इस समय, जो भी पढ़ा रहे हैं इसको हम शेयर भी कर देंगे, एक हमने YouTube का एक लिंक तुम लोगों को भेजा था, सीखा था तुम लोगों ने, देखे थे बेटा, वो मेरा ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, तो जो भी क्लास में हम पढ़ाएंगे हम उसको उस चैनल पे भी डाल भी देंगे, कि अगर आपको रिवीजन करना होगा या किसी बच्चे की कोई क्लास छूट जाएगी तो उसको देख सकता है, ठीक है। तो अब ए बी सी और सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिएगा बेटा, ए बी सी ये बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, और यहाँ पे तीन का मतलब कि टू टू पावर एन, इट मीन्स टू टू पावर थ्री, यानी कितने कॉम्बिनेशन, एट कॉम्बिनेशन, एट कॉम्बिनेशन बन गए,
यानी इट मींस ए बी सी एंड वाई, 0001 01 10 11. कोई ऐसा भी बच्चा है जो मेरे ग्रुप पे नहीं जुड़ा है? ठीक, अब ये बन गया। अब इसका इस पे जब निकालेंगे